आगे बढ़ने से पहले जो टॉपिक देखने जा रहे हो उससे रिलेटेड पूरा का पूरा सीक्वेंस वाइज पूरा कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना। टॉपिक खत्म हो जाए इसके बाद में आना प्लेलिस्ट में, और यहाँ से उसको अगर कंप्लीट करना चाहते हो सीक्वेंस में तो पूरा का पूरा यहाँ से देख सकते हो। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अब हमारा काम क्या है, हम एक सिंपल रो को डिलीट करेंगे, ठीक है, केवल एक रो को, क्योंकि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड डेटा यहाँ पर है, 2, 3 और 4, तीन ही रो है, तो हम एक रो को यहाँ से डिलीट करेंगे, उसी तरीके से बाकी सारी रो डिलीट होंगी। तो इसके लिए भी हम एक फाइल बना लेते हैं हमारे डेटाबेस के फोल्डर में। 8 नंबर की फाइल थी, हम 9 नंबर की फाइल बनाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं डिलीट रो डॉट पी वाई। पहले हम इस पूरे वर्क को कर लेते हैं, इसके बाद में यहाँ पर हम मल्टीलाइन कमेंट में मैं यहाँ पर थोड़ा डिस्क्राइब कर दूंगा। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या चाहिए है, हमें सबसे पहले चाहिए है कनेक्शन। तो हम इस फाइल में से कनेक्शन को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर लाते हैं, पेस्ट करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हमने अभी अपडेट किया है उसी तरीके से डिलीट करने के लिए हमें मिलता है डिलीट कीवर्ड। इसको हमने ब्रीफ देख ही लिया है कि कितने अलग अलग तरीके के हमें कीवर्ड मिलते हैं। और अब शायद एक चीज़ दिमाग में बैठ रही होगी कि जब भी हम डेटाबेस के अंदर डिलीट करने की या अपडेट करने की या इंसर्ट करने की बात करते हैं तो हमेशा हमें टेबल का नाम चाहिए होता है, और टेबल के नाम के साथ में अगर हम कुछ अपडेट की बात कर रहे हैं तो वो कॉलन चाहिए जिस कॉलन में हम डिटेल अपडेट करना चाहते हैं, और उसके साथ में हमेशा हमें आईडी चाहिए या हमें कुछ एक कंडीशन चाहिए जिसके बिहाफ पे हम डिलीट करें। क्योंकि अगर कंडीशन नहीं होगी तो डिलीट करने में वो हो सकता है टेबल के सारे डिटेल्स को डिलीट कर सकता है। तो ऐसे ही हम यहां पर भी एक क्वेरी लिख लेते हैं, क्वेरी फॉर डिलीटिंग रो। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं और वेरिएबल का नाम हम देते हैं डिलीट, और डिलीट रो फ्रॉम टेबल, ये हमारे वेरिएबल का नाम हुआ। इसके अंदर हमें क्वेरी लिखनी है, तो डिलीट करना है जैसे अपडेट के लिए हमने यूज किया अपडेट कीवर्ड को, वैसे ही डिलीट के लिए डिलीट कीवर्ड को। और डिलीट करने में यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस रहता है हर एक क्वेरी में, जैसे कि जब हम डिलीट की बात करते हैं तो डिलीट करना होता है फ्रॉम टेबल, लेकिन जब हम अपडेट की बात करते हैं जो कि ये वाला टेबल था, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, अपडेट में सीधे हम कॉलन का नाम देते हैं, टेबल का नाम देते हैं, लेकिन हम यहाँ पर फ्रॉम वगैरह नहीं देते हैं, सीधे अपडेट उसके बाद में टेबल का नाम और फिर सेट जो भी कॉलन है वो। जब हम डिलीट में होते हैं तो यहाँ पे हमें यह बताना होता है कि डिलीट फ्रॉम, मतलब कि यहाँ पर क्योंकि हमें क्या कहते हैं केवल कंडीशन देनी है, कुछ हम सेट नहीं करने वाले हैं, हम सीधे डिलीट करने वाले हैं। तो हमने कहा कि डिलीट फ्रॉम और इसके बाद में टेबल का नाम हमारे है ऑग अंडरस्कोर मंथ, डिलीट फ्रॉम ऑग मंथ, और ऑग मंथ में से फिर हम डायरेक्ट कंडीशन देते हैं कि वेयर, और वेयर के बाद में जैसे हम सीरियल नंबर के बिहाफ पे देना चाहते हैं तो जहां पर भी सीरियल नंबर मिल रहा हो 2, या इसको हम 3 दे देते हैं, कि जहां पर भी सीरियल नंबर 3 मिले उसको तुम डिलीट कर दो। अब इस वेयर में हम देने को अगर नाम दे दिया मान लो, और इसको नाम में जैसे कि टेबल में दो जगह पर हे सुशील लिखा हुआ है, तो जहां जहां इसको ये पर्सन कॉलन में हे सुशील मिलेगा ये उन सारी की सारी रो को एक बार में डिलीट कर देगा, ऐसा नहीं है कि किसी एक को करेगा। तो आप क्या कर सकते हो, जब ये काम खत्म हो तो आप खुद से मल्टीपल रो क्रिएट करो, इंसर्ट कराओ मल्टीपल, इसके बाद में यहां पर आओ और फिर पर्सन के नाम पर आप दे दो कि जहां पर भी पर्सन नेम, और इसके बाद में आप जो कुछ भी पर्सन नाम में दिए और देख रहे हो कि रो में मल्टीपल टाइम वही सेम पर्सन जो है एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे जैसे ही वो पर्सन का नाम दोगे वो चाहे 2, 4, 10 जितने भी रो में होगा वो सारी की सारी रो एक बार में डिलीट, क्योंकि हमें पता है हमने टेबल में प्राइमरी की जो दी है वो हमेशा यूनिक है, जो 3 है वो टेबल में पूरी की पूरी टेबल में एक ही बार है, जिससे कि हमको ये श्योरिटी है कि अगर हम प्राइमरी की दे रहे हैं तो एनी हाउ डिलीट तो एक ही रो को होना है, कई सारी रो नहीं होगी। लेकिन नाम जो है, नाम मल्टीपल यूजर्स का एक जैसा हो सकता है या एक हो सकता है। वैसे ही अगर हम मंथली वाइज एक्सपेंस इंसर्ट करने की बात कर रहे हैं तो एक दिन में हम 2, 4, 10 अलग अलग एक्सपेंस जो है वो इंसर्ट करा सकते हैं, या प्राइस जो है वो भी प्रोडक्ट के, कई सारे प्रोडक्ट के प्राइस सेम हो सकते हैं। तो जब भी हम रो को डिलीट करने की बात करते हैं तो ये ध्यान में, दिमाग में रखना बहुत जरूरी है
कि हम डिलीट किसके बिहाफ पे करने जा रहे हैं, दैट मीन्स कि कंडीशन में हमने दिया क्या है। क्योंकि अगर दिमाग में ये नहीं होगा कि अच्छा मैंने तो प्राइस दिया था 10 और आपका टारगेट होगा टेबल में कि अच्छा ठीक है ये पहली वाली रो है इसमें प्राइस 10 है तो यही उड़ना चाहिए, और आपने ये सोचा ही नहीं कि बहुत सारी और रो है जिसके अंदर वही प्राइस 10 10 10 था और सारी की सारी उड़ गई। तो स्टार्टिंग लेवल पे जब हम नए होते हैं तो दिमाग में इतना क्लिक नहीं करता है कि अच्छा इसकी वजह से ये उड़ गई, या हो सकता है क्लिक करे, लेकिन अगर क्लिक नहीं किया तो फिर उस समय टेंशन होती है कि मैंने तो एक को कहा था लेकिन इसने सबको कैसे कर दिया। तो असल में क्वेरी को इन सारी चीज़ों से मतलब नहीं होता कि आप टारगेट क्या कर रहे हो, उसको मतलब होता है कि आपने कंडीशन क्या दी है, जो कंडीशन दी है वो एग्जैक्ट वही काम करेगा। तो यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं क्या, अभी जस्ट प्रीवियस अपडेट में भी मैंने यही चीज़ बताई और यहाँ पर भी फिर से यही रिपीट कर रहा हूँ कि जब डिलीट का केस है इस केस में भी हम टेबल के अंदर से डिटेल को डिलीट करने की बात कर रहे हैं, मतलब कि टेबल के अंदर मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो इस केस में भी हम एग्जीक्यूट भी करेंगे और माई डी बी जिसके अंदर माई डी बी वेरिएबल के अंदर हमने कनेक्शन स्टोर कर रखा है उसके कमिट मेथड को भी यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, क्वेरी एग्जीक्यूट। तो कौन में से हम कॉल करते हैं माय कर्सर को और माय कर्सर के एग्जीक्यूट मेथड को, और इसके अंदर हम सिंपली दे देते हैं हमारा वेरिएबल जिसका नाम है डिलीट रो फ्रॉम टेबल। इसके बाद में इसको सिंपली कमिट करना है, तो यहां पर हमने दे दिया कमिट बाय माई डी बी। ये याद रखना कि कर्सर के अपने मेथड सेपरेट हैं और जो माई डी बी दैट मीन्स कि हमारा मेन कनेक्शन है उसके जो मेथड्स हैं वो सेपरेट है, जैसे कि ये एक कमिट तो कॉन डॉट माई डी बी डॉट कमिट। ये फाइनली होने से क्या हुआ, हमारा ये जो क्वेरी है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा और डेटाबेस में से वो 3 नंबर की जो रो है वो डिलीट होगी। तो इसको हम यहाँ पे प्रिंट करा के चेक भी कर लेते हैं कि क्या ये कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। तो फिर से हम वही करते हैं कि कॉन डॉट माई कर्सर और माई कर्सर में से हम रो काउंट कीवर्ड को कॉल करते हैं और यहाँ पे दे देते हैं कि रो इफेक्टेड रो डिलीटेड। ठीक है, अगर ये काम सक्सेसफुली करता है दैट मीन्स कि 3 नंबर की जो रो है वो खत्म हो जानी है। तो एक बार हम कोड को रन करते हैं, क्या हुआ, 1 रो डिलीटेड यहां पर साफ साफ हमको मिल गया, दैट मीन्स कि वो 3 नंबर की रो अब हमारे टेबल में नहीं रही। इसको चल के हम क्लेरिफाई करते हैं, रन करते हैं, 3 नंबर की रो यहां से जा चुकी, दैट मीन्स कि अब यहां पर भी काम क्या है, क्वेरियां चलने के लिए सिंपल लेवल पे इतनी क्वेरी सफिशियंट है कि हमें स्टार्टिंग लेवल पे अगर चाहिए तो यहां पर भी हमारे पास काम है। तो यहां पर हम क्वेश्चन लिख देते हैं और इसको भी हम मल्टी लाइन में लिखते हैं। सो तो फाइनली डिलीट रो के लिए ये एक क्वेश्चन है जिसमें क्या करना है कि इसके लिए भी एक फंक्शन बनाओगे और फंक्शन में काम क्या करना है कि यूजर से एक इनपुट लेना है, यूजर उसमें आईडी भी दे सकता है, प्राइस भी दे सकता है, डेट भी दे सकता है या पर्सन का नाम भी दे सकता है, तो वो कुछ भी दे। फंक्शन के अंदर एक आर्ग्यूमेंट रिसीव करोगे, आर्ग्यूमेंट रिसीव करने के बाद में फंक्शन के अंदर अब क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीपल कंडीशन चलानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हो सकता है यूजर जो है वो आईडी दिया है या हो सकता है प्राइस दिया या हो सकता है डेट दिया, तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए स्ट्रिंग के मेथड होते हैं कि जैसे मान लो यूजर ने जो इनपुट दिया है उसको आपने नाम दिया है यूजर इनपुट, वेरिएबल का नाम है, तो स्ट्रिंग में मेथड होता है कि हम ये चेक कर सकते हैं कि यूजर ने खाली इंटीजर दिया कि इंटीजर के साथ में अल्फाबेट भी दिया है कि अल्फाबेट और इंटीजर नंबर जो है वो साथ में दिया है। इसका थोड़ा सा आइडिया क्या देता हूं कि प्रीवियसली हमने मेथड तो देखे हुए हैं, तो जैसे यूजर इनपुट डॉट डॉट करके एक हमें मिलता है इज अल्फा, इज अल्फा मेथड जो होता है वो क्या करेगा, हमको ट्रू दे देगा अगर केवल यूजर ने इनपुट में अल्फाबेट्स ही दिए हैं। तो इस तरीके से अलग अलग पैरामीटर चेक करोगे
चेक करने के साथ में इनकेस यूजर ने इनपुट में एक आईडी दी थी 2345 समथिंग, तो आप कंडीशन में चेक किए, कंडीशन यूजर इनपुट में आईडी से सेटिस्फाई हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर आओगे, वहां पे उस आईडी को लेकर आप डिलीट की क्वेरी चलाओगे। डिलीट की क्वेरी चलेगी, एक रो जो है क्योंकि प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है तो कोई एक ही रो डिलीट होगी। जब रो डिलीट हुई तो आप लास्ट में यूजर को इनपुट दिखाओगे कि आपने सक्सेसफुली एक रो डिलीट कर दिया, दो चार दस जो भी डिलीट करना था डिलीट कर चुके आप। तो इसका काम वही है, लेकिन इसमें आपको मल्टीपल अलग अलग कंडीशन बनाने हैं। और हर एक केस पे क्या ध्यान रखना है कि हर एक केस में आपको इनके एक्सेप्शन को भी हैंडल करना है। तो ये काम होगा डिलीट के लिए। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट काम है वो फाइनली क्या होगा कि एक टेबल में हम क्या किए, सबसे पहले तो हमने मल्टीपल एंट्री की। जब हमारे पास डेटा बहुत सारा हो गया तो हो सकता है उसमें हमने कुछ गलती की, तो हमने क्या किया था प्रीवियसली, हमने टेबल के रोज में अपडेशन किए, कुछ चेंजेस या मॉडिफिकेशन किए जो भी हमने गलती की। फाइनली अब हमने क्या किया, टेबल में किसी रो में हमने अगर गलती कर रखी है तो उस रो को हम अलग अलग पैरामीटर के हिसाब से डिलीट कर दे रहे हैं। इसके बाद वाला काम हमारा क्या है कि हम पूरी की पूरी टेबल को ही डिलीट कर देंगे। टेबल को एक्चुअली हम टेबल को अभी नहीं डिलीट करेंगे, इसके बाद में हम पहले इसी के जैसी दो तीन चार टेबल और बनाएंगे और पहले हम टेबल की ज्वाइनिंग कराएंगे। जब टेबल की ज्वाइनिंग हो जाएगी तब उसके बाद में हम टेबल भी डिलीट करेंगे, और टेबल के बाद में फिर आखिरी में हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा डेटाबेस जो हमने बनाया था वो भी डिलीट कर देंगे। तो अब नेक्स्ट काम हमारा क्या होगा, ज्वाइनिंग का। तो इसको करने के लिए पहले एक बार ज्वाइनिंग को थोड़ा सा खुद से स्टडी और रिसर्च कर लेना, देख लेना कि ज्वाइनिंग कैसे वर्क करता है या ज्वाइनिंग होता क्या है, असल में MySQL के अंदर ज्वाइनिंग होता क्या है। तो वहां पर आपको अलग अलग चीजें पढ़ने को मिलेंगी कि लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, ज्वाइनिंग हम प्राइमरी की के बिहाफ पे करते हैं, इसमें फॉरेन की और प्राइमरी की का आपस में कैचअप होता है, दोनों के बिहाफ पे ही हम टेबल्स को ज्वाइन करते हैं। तो नेक्स्ट वर्क हमारा जो है वो है कि हम मल्टीपल टेबल्स बनाएंगे और ज्वाइनिंग करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मंथली बजट की। तो अभी तक हमने अगस्त मंथ के बजट को देखा था, करेंटली सितंबर चल रहा है तो हम सितंबर का भी बजट बनाएंगे, मींस मंथली एक्सपेंस जो है वो सितंबर मंथ का भी बनाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, उन मंथ अगस्त मंथ के खर्चे और सितंबर के हम दोनों को मर्ज करके टोटल देखेंगे भी कि कैसे हमको दोनों का टोटल मिलता है, या दोनों के फील्ड्स को हम एक साथ मर्ज करना चाहेंगे तो वो भी हम मर्ज करके देखेंगे कि कैसे दोनों टेबल के डेटा हम फाइनली एक आउटपुट में देख सकते हैं। तो ये सारा वर्क हम करते हैं नेक्स्ट में।